अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की ओर से लिखा गया कथित सुइसाइड लेटर सामने आ गया है। इसमें यह कहा गया है कि किस तरह से आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की, और इस लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी ने पहले भी सुइसाइड की प्लानिंग की थी, लेकिन उस वक्त वह आत्महत्या नहीं कर पाए थे। इस पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से एक लड़की के साथ महंत नरेंद्र गिरी को दिखाते हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर कोई वीडियो तैयार किया गया और उसके बाद उन्हें धमकाया जा रहा था। हालांकि इस लेटर की प्रामाणिकता अभी तय नहीं हो पाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे में मिला था। इस घटना के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी प्रयागराज पहुंची। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि वह आत्महत्या वाली बात पर भरोसा नहीं कर पा रही है। बैठक रखना जिसमें पूरे देश के संत होंगे और कुंभ को लेकर के तैयारी बैठक करेंगे। जो व्यक्ति आगे की इतना सोचता हो, कैसे यकीन नहीं हो रहा मेरे को। क्या कोई साजिश लग रही है? मुझे अभी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी जांच का विषय है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है जो पूरा जीवन अध्यात्म में बिता दिया हो, संत भेष में बिता दिया हो। उनकी पुरुष से विवाद को लेकर क्या कहेंगे? मैं अभी कुछ नहीं, मैं मुझे ये कभी हमारे सामने ये बातें कोई शेयर नहीं की। विवाद नहीं, कभी नहीं, कभी हमारे सामने शेयर नहीं की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंत नरेंद्र गिरी की हत्या के मामले में सवाल खड़े किए हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जिस प्रकार से कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं वो मामले में संदेह पैदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना पोस्टमार्टम इस घटना को आत्महत्या करार क्यों दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या जहां घट रही है, वहीं प्राइवेट डॉक्टरों के यहां मरीजों की कतार लंबी होती जा रही है। मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में सोमवार दोपहर को 255 मरीज थे। सोमवार को जहां 67 मरीज भर्ती किए गए जबकि 72 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोगों की संख्या तय कर दी गई है। पहले के मुकाबले संख्या दोगुनी हो गई है, लेकिन पटरी पर लौटती जिंदगी के बीच लोगों को ज्यादा उम्मीद थी। यहां तक कि शादी के कार्ड 200 से 300 लोगों को बुलाने के मुताबिक छपने के लिए दे दिए गए हैं। मुश्किल यह है कि अब किन रिश्तेदार और दोस्तों को बुलाया जाए या किन्हें ना बुलाया जाए, इस बात को तय करना होगा।